नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसीज से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आई हूँ, जो UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, UPSC सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन जो हुआ, उसका जो रिजल्ट है वो UPSC के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी यहाँ पे गिवन है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से सारे अटैचमेंट गिवन है, जिसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर रिजल्ट नोटिस भी गिवन है, जिसको आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जो रिजल्ट नोटिस है वो कुछ इस तरह से है। दोस्तों, UPSC के द्वारा सबसे लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। जो रिजल्ट है 8 जून 2022 यानी कि कल ही जारी किया गया है। और ये जो रिजल्ट है, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो एग्जामिनेशन हुए थे 2020 में, उसका रिजल्ट है। दोस्तों, जो कैंडिडेटचर है 8 कैंडिडेट्स का, जिनके रोल नंबर यहाँ पे गिवन है, उन कैंडिडेट्स का कैंडिडेटचर अभी प्रोविजनल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपने इसका एग्ज़ाम दिया था तो आप ये रिजल्ट जल्द से जल्द चेक करें। इन 8 रोल नंबर्स का जो कैंडिडेटचर है वो अभी प्रोविजनल है। जो लिस्ट है इन 23 कैंडिडेट की, वो कमीशन की वेबसाइट जो है www.upsc.gov.in पे आपको मिल जाएगी। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वो 23 कैंडिडेट हैं। और ये जो रिजल्ट है, मेरिट ऑर्डर रिजल्ट है, ये रिजर्व लिस्ट है। तो अगर आपने इसका एग्जामिनेशन दिया था 2020 में, तो आप ये रिजल्ट जल्द से जल्द चेक करें। रिजल्ट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप रोल नंबर के हिसाब से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर गिवन है और उस कैंडिडेट का नाम भी गिवन है, तो आप अपना रिजल्ट इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से रिजल्ट नोटिस है, तो आप इसे एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी। आप चाहें तो इस इवेंट को इस शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। इस इवेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस इवेंट को आप सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करके डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है, मैं आप लोग की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर एक रिप्लाई बॉक्स गिवन है, जहाँ पे अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो राइट अ रिप्लाई सेक्शन पे जाके रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स पे डिस्कशन चल रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो आप भी इस तरह से डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं राइट अ रिप्लाई सेक्शन पे जाके रिप्लाई करके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।